कुछ साल पहले यहाँ पे सेल्फी पॉइंट खोला गया है। ये जो एलिफेंट स्टेयर्स हैं, ये राइट साइड वाली एंट्रेंस से बादशाह जो हुआ करते थे उस दौर में, वो हाथियों पर बैठकर दाखिल हुआ करते थे और इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आया करते थे, और उनके इस्तकबाल के लिए तकरीबन 100 से ज़ायद लोग फूलों के साथ खड़े होते थे। जो भी नई चीज़ ये खोलते हैं इसकी टीका लगा देते हैं। ठीक है आप भाई, चले जाएं आप। कुछ साल पहले यहाँ पे सेल्फी पॉइंट खोला गया है और यहाँ से पैनोरामिक व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लाहौर के दीगर दरवाज़ों की निस्बत ये दरवाज़ा कुछ ऊंचा है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक ये दरवाज़ा मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किला लाहौर के दाखिले के लिए बनवाया। कुछ अरसा कबल ही यहाँ पे यह नई जगह दरियाफ्त हुई है। ये बारूद खाना है जो कि सिख दौर में बनाया गया। इसके अंदर वो अपने हथियार रखा करते थे और जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया। तो अभी जो है हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। ये सामने सिखों का गुरुद्वारा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम मैं सबसे ऊपर नार था वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। और अभी नीचे जाना है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। ओके, सो आज व्यू हर तरफ से बड़ा प्यारा दिख रहा है। और इस दरवाजे से बहुत कोशिशों के बाद भी हम बाहर नहीं निकल सके।
कई सौ साल पहले यहाँ पे सिख बादशाह हुआ करता था करक सिंह, और ये उसके बेटे लहू का मंदिर है। इतने सौ साल गुजरने के बाद भी आज भी यहाँ से नई जगह दरियाफ्त हो रही है। ये उस दौर का पूल है, स्विमिंग पूल। ये अकबरी हमाम है जो कि अंडरग्राउंड बनाया गया था और कुछ अरसा कबल ही इसे दरियाफ्त किया गया है। उस दौर में इतनी चौड़ी दीवारें बनाना कितनी मेहनत का काम होगा। ये तकरीबन 450 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसके ऊपर दाल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जितना भी काम है ये सारा उस दौर में हाथों से किया गया था। और यहाँ पे बहुत से हिस्सों पर सुर्ख मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये मुगल गैलरी है। मुगल गैलरी की जिन चीज़ों को नुमाइश के लिए रखा गया है वो मुगलिया शहनशाह की ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। मरकजी गैलरी में मुगल दौर की मिनिएचर तस्वीर और हाथी दांत से बना ताजमहल का मॉडल नुमाइश के लिए रखा गया है। इसके अलावा दरबारी मौरखीन की लिखी हुई कुछ कुतुब भी नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। इस इमारत के बाएं हिस्से में फारसी और अरबी रस्म अल-ख़त में मख़तूतात रखे गए हैं।
इस अजायब घर के दाएं हिस्से में मुगलिया दौर के सिक्के और शाही फरमान रखे गए हैं। यहाँ पे जाते जाते ये बिल्कुल